इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लेक्चर नंबर 2 लास्ट टर्म पे कुछ चीजें तुमने सीखी उसको मैं समराइज कर रहा हूं। लास्ट टर्म पे तुमने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे, क्योंकि हम उनके मोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो चार तरीके हैं, फर्मियोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन। मैं समझता हूँ अब तक तुम्हें रट गए होंगे चारों तरीके। उसके बाद इलेक्ट्रॉन मिल गए, उसके बाद बातचीत बंद करोगे। इलेक्ट्रॉन मिल गए उसके बाद अब इनके मोशन को कहां पे कंट्रोल करना है, वैक्यूम में या सॉलिड स्टेट में। हमने प्रेफर किया सॉलिड स्टेट में कंट्रोल करने, क्योंकि वैक्यूम में तो बहुत ज्यादा दूरी उनको ट्रैवल करनी पड़ेगी। अब सॉलिड स्टेट में फिर सवाल उठा कंडक्टर में या सेमीकंडक्टर में, तो फिर हमने डिसाइड किया चार्ज कैरियर डेंसिटी एन से कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर डेंसिटी अप्रोप्रिएट है, जिसको बढ़ाकर 10^21-22 तो हम ले जा सकते हैं, जबकि कंडक्टर में पहले से इतनी ज्यादा है 10^28 उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया हम सेमीकंडक्टर को यूज करने वाले हैं। तो आगे की डिटेल 3 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, एनर्जी बैंड फॉर्मेशन इन सॉलिड्स। इनर मोस्ट का इंटरेक्शन नहीं होगा, आउटर मोस्ट का होगा।
तो इसको ग्राफ से समझना, एग्जांपल लेंगे सिलिकॉन का, पैराग्राफ चेंज करोगे लिखोगे, ठीक है, एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन, एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होना चाहिए 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो क्या बनेगा, 4s2 2s2 2p6 3s2 3p2 तो जो आउटर मोस्ट है वो है थर्ड, इसमें चार भरे हुए हैं लेवल, p में 6 आ सकते हैं, चार खाली है। अगर मैं सिलिकॉन के कैपिटल n एटम्स लेता हूं तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल लेवल होंगे 8n, उनमें से 4n खाली होंगे और 4n भरे हुए होंगे, ये बात समझ लेंगे। तो तुमने लिखा कंसीडरिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन कॉमा लेट कैपिटल n सिलिकॉन एटम्स, कैपिटल n बड़ा n सिलिकॉन एटम्स कम क्लोज टुगेदर, कम क्लोज टुगेदर टू फॉर्म ए क्रिस्टल, कम क्लोज टुगेदर टू फॉर्म ए क्रिस्टल, देन देयर एनर्जी लेवल्स, देन देयर एनर्जी लेवल्स गेट मॉडिफाइड as shown के बाद डैश लगा दो, ग्राफ बनाना तुमको, ये ग्राफ कम से कम आधे पेज पे बनाओ, काफी डिटेल्स इसमें आनी है, बड़ा ग्राफ बनेगा, x एक्सिस इस पे लेंगे डिस्टेंस स्मॉल r, दो एटम के बीच की दूरी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, दो एटम्स के बीच की दूरी y एक्सिस पर, मेरे को लगता है कुछ बच्चों को बाहर निकाल दो, ऐसा लगता है एनर्जी, कुछ फैमिलियर साउंड कर रहा है, ऐसा ग्राफ तुमने पहले बनाया, दो न्यूक्लियन के बीच दूरी एनर्जी, इलाने बनाया था इंटर एटॉमिक, दो एटम के बीच की दूरी एनर्जी बनाया था ना, बस क्रिस्टल की बात नहीं की थी हमने, बैंड फॉर्मेशन की बात नहीं की, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी, तुम फैमिलियर हो ना इससे, मैंने इतना रिपीट करा दिया, इतना इंपॉर्टेंट है ये, अब तुम बोल नहीं सकते, चाहे तुम घर पे जाके रिवाइज करो चाहे मत करो, अभी तुम्हें याद है पैटर्न, और सिमेट्री है तुम्हें याद है, मॉलिक्यूल्स आए तो भी यही, एटम्स आए तो भी यही, न्यूक्लियन आए तो भी यही, इससे मिलता जुलता यहाँ पे आएगा। मैं चार डिफरेंट डिस्टेंसेस कंसिडर कर रहा हूँ, जब दूरी बहुत ज्यादा है बना दो साथ साथ बनाते चलो, एक लाइन खींचो वर्टिकल पहले वो डी, जब स्मॉल आर डी के बराबर है, काफी दूर है अभी एटम्स, धीरे धीरे पास ला रहे हैं उसको, क्रिस्टल बनाना है, घटकर दूरी सी रह गई और कम हुई, बी रह गई और कम, कहां तक कम कर सकते हो, अगर तुमने आर जीरो से कम कर दिया तो क्या होने वाला है, इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन की वजह से रिपल्शन हो जाएगा, तो एक्चुअल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इतनी ही रहती है, उससे कम नहीं होती, ए से दिखाएंगे, ये वास्तव में किसी क्रिस्टल में दो एटम्स के बीच की दूरी है कितनी होती, और इसमें एनर्जी लेवल्स की एनर्जी दिखाएंगे, 1s2 ये रहा अंदर, 2s2 मतलब लो एनर्जी है कम एनर्जी, 2p6 2s2 से ज्यादा है, ये तो हो गए इनर मोस्ट, डिस्टेंस भले ही चेंज हो इन लेवल्स में कोई चेंज नहीं आने वाला, और ये खाली एक एटम के लिए नहीं है, n एटम के लेवल्स हैं, सबकी एनर्जी सेम एग्जैक्टली, कोई चेंज नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं,
पर आउटर मोस्ट की बात करूंगा, सबसे ऊपर 3p2, उससे नीचे 3s2, ये आउटर मोस्ट। जहां तक मैंने बना दिया सी, सी तक कोई विजिबल इंटरेक्शन इनके बीच नहीं है, अभी इंटैक्ट है एज इट इज। पर जब डिस्टेंस को सी से कम करते हैं, बी तक आते हैं, इनके बीच का गैप, ये एनर्जी का गैप इनके बीच वो घटने लगता है। बी तक आते आते एनर्जी गैप घटकर जीरो हो जाता है। बी से और कम डिस्टेंस करते हैं फिर इंक्रीज होता है। तो ग्राफ बनाने का एक पर्टिकुलर मेथड है। अगर तुम इस पैटर्न को रिजेंबल करोगे, जैसे ये यहां तक आया फिर ये नीचे जा रहा है, तो एग्जैक्टली यहां तक का पैटर्न मिलेगा तुमको। दिस पैटर्न इज सेम। यहां हो क्या रहा है वो समझो, एनर्जी का गैप घटा, घटकर जीरो हो गया इस जगह पर, बी पर। सारे लेवल्स 3sk और 3pk यानी कुल मिलाकर 8n लेवल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए इस तरह से कि हम अंतर नहीं कर सकते कौन सा इसका कौन सा पी का। और जब डिस्टेंस को बी से भी और कम किया तो जो 4n भरे हुए थे वो नीचे सेटल हो गए, अलग हो गए। 4n एम्प्टी थे वो ऊपर चले गए, बीच में फिर से गैप आ गया एनर्जी गैप। तो ये लेवल जितनी डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूं। यहां पर हम इसको बोलते हैं बैंड बन गया, ये वैलेंस बैंड। ये जो चार है ना, ये वैलेंसी इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और जो ऊपर है ये बन गया कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड सीबी, वैलेंस बैंड वीबी, और बीच में जो गैप इंट्रोड्यूस हुआ इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, FEG। अगर मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूं तो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेटा भी याद करवा दूंगा तुमको क्लास में। रीजन अगर मैं तुमसे पूछूं, कोई होनहार बच्चा है जिसने घर पे जाके वो एनर्जी लेवल वाला डायग्राम बनाया जो तुम्हें बनाने को बोला था एटम्स में, जिसमें -13.6 से स्टार्ट करके अलग अलग एनर्जीज दिखानी थी, लाइमन पावर पाशन ब्रैकेट फॉर्म सीरीज दिखानी थी, ऐसे कौन से बच्चे हैं हाथ ऊपर करें, उनको पुरस्कार दिया जाएगा घर पे जाके जिन्होंने बना लिया वो डायग्राम कॉपी में देखा है। पढ़ दिया तो होना नहीं माना जाएगा। हाँ, किसने बनाया? इसका मतलब तुम घर पे ले जाके बैग रख देते हो तो तुम्हारी पढ़ाई का तरीका भी फिर वैसे ही करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें जो तैयार करवाना है वो यहीं पे क्लास में तैयार करके भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए चीजों को लिंक करना होगा इंटरेस्टिंग फैक्ट से, कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, एक बार में याद हो जाए। पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक कहानी सुनानी पड़ेगी मेरे को, बस बोलो। लिखोगे फ्रॉम द अबो ग्राफ, फ्रॉम द अबो ग्राफ इट इज क्लियर दैट, चार पॉइंट में डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट, एट स्मॉल आर इक्वल टू डी, जब डिस्टेंस स्मॉल आर डी के बराबर है, एट स्मॉल आर इक्वल टू डी, तो सिचुएशन क्या है, डैश लगा के लिखोगे, देर इज नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं, देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एनी ऑफ द एनर्जी लेवल्स, कोई से भी एनर्जी लेवल इंटरेक्ट नहीं कर रहे जब डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक। देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एनी ऑफ द एनर्जी लेवल्स। सेकेंड पॉइंट, एट स्मॉल आर इक्वल टू सी,
जब स्मॉल आर सी के बराबर है, देखोगे देयर इज नो विजिबल इंटरेक्शन, दिखाई देने योग्य कोई इंटरेक्शन नहीं है, देयर इज नो विजिबल इंटरेक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स, यानी हम बात कर रहे हैं 3s और 3p, इसी में कंटिन्यू करोगे, बट विथ फर्दर डिक्रीज इन डिस्टेंस, दूरी को जब हम c से और कम करते हैं, विथ फर्दर डिक्रीज इन डिस्टेंस, b की तरफ जाते हैं ना, विथ फर्दर डिक्रीज इन डिस्टेंस कॉमा द एनर्जी गैप बिटवीन 3s2 एंड 3p2 स्टार्ट डिक्रीजिंग, द एनर्जी गैप बिटवीन 3s2 एंड 3p2 स्टार्ट डिक्रीजिंग। तीसरा पॉइंट, एट स्मॉलर इक्वल टू b, द स्मॉलर b के बराबर हो गया, ऑल द एनर्जी लेवल्स ऑफ 3s एंड 3p, अभी 2 2 नहीं लगाएंगे, ऑल द एनर्जी लेवल्स ऑफ 3s एंड 3p गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से इस तरह से वितरित हो जाएंगे, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली दैट यूनिफॉर्मली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली दैट वी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, हम अंतर नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते, पहचान नहीं सकते कौन सा s का कौन सा p का, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली दैट वी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, विपर्य स्थिति। तो कहानी बीच में इंट्रोड्यूस कर दे, कहानी ऐसे है, वंश वृक्ष चलता ना जैसे, तो माता पिता दादाजी दादी जी कोई दादाजी दादी, परिवार बड़ा, 8 बच्चे हुए है ना, बढ़ता जा रहा है जैसे वो ट्री चलता है। तो स्थिति ये थी पहले वाली पुराने जमाने में जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करते हैं, संयुक्त परिवार, चाचा जी भी साथ रह रहे हैं, ताऊ जी भी साथ रह रहे हैं, हवेली है गांव में है ना, उसमें रह रहे हैं हवेली में सब, चाचा जी ताऊ जी तुम्हारे पिताजी, तो सबके बच्चे एक साथ ही खेल रहे हैं, तुम्हारे सगे भाई भी, तुम्हारे कजिन ब्रदर्स सिस्टर्स सब आंगन में खेल रहे हैं, पास के गांव से रिश्तेदार है, रिलेटिव्स, रिलेटिव मतलब चाचा जी के ससुर जी। तो अब वो ये जानना चाहते हैं कि उन सब बच्चों में चाचा जी का बच्चा कौन सा है, और सब बच्चों की शक्लें मिलती जुलती होती हैं कजिन्स में भी, तो ऐसे सिचुएशन में पहचाना मुश्किल है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं 3s वाले और 3p वाले, कि तुम पहचान नहीं सकते कौन सा 3s का कौन सा 3p का। तो अब वो जो आए हैं ससुर जी, वो पूछेंगे जिस बच्चे से जो जिस पे डाउट लगेगा, हाँ ये हो सकता है, छोरा तू कौन को है, गांव की लैंग्वेज में से बोले, लड़के होगी तो उससे पूछेंगे छोरी तू कौन की है। तो अब वो बच्चा जवाब देगा, अपने पिताजी का नाम बताएगा, मैं संपत लाल जी को हूँ, तो पहचान होगी, हाँ भाई ये ताऊ जी का है, चाचा जी का है, किसका है, तो इस तरह से पहचान होगी। फिर क्या हुआ, कहानी और आगे बढ़ी, घर में टीवी आ गया और टीवी में एकता कपूर के सीरियल चालू हो गए, अब वो सीरियल देखकर जितने भी लोग थे परिवार में, 8 परिवार थे वहां, सबके मन में शक डेवलप हो गया कि अच्छा वो दूसरा मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा होगा। तो मनमुटाव शुरू हुआ, एक दूसरे के खिलाफ सोचने लगे लोग। तो जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा था, मतलब 8 भाई थे, 8 भाई में से 4 भाई थे, 4 भाई के पास पैसा ज्यादा था, 4 भाई के पास कम था, यानी जिनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे फील्ड, उन्होंने कहा हम पैसा शेयर नहीं करेंगे, तुम अपना खाना अलग बनाओ, घर डिवाइड हो गया, बीच में दीवार खिंच गई, चूल्हा अलग हो गया, 4 भाई जिनके पास पैसा ज्यादा था वो अलग हो गया, जो दूसरे 4 भाई जिनके पास कम था पकड़ दे वो अलग, ठीक है।
लाने खत्म हो गई, अब एक वीडियो लिंक हो गया इस ग्राफ के साथ तुम्हारी मेमोरी में, अब दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट लिख लो, आर इक्वल टू, हाँ अभी सवाल का जवाब मिलेगा, एट आर इक्वल टू ए, पहले कंप्लीट करते हैं फिर पूछो, एट आर इक्वल टू ए ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिखोगे एक्चुअल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, चौथा पॉइंट है, एट आर इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्चुअल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ये लिखा हुआ ना एक्चुअल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, जगह दो एटम के बीच की दूरी, बात समय जितनी होती है उस पर क्या होगा, कॉमा द फोर एन, फोर एन फील्ड लेवल्स, द फोर एन फील्ड लेवल्स, ब्रैकेट में तुमने लिखा एक्चुअल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद तुम लिख रहे हो द फोर एन फील्ड लेवल्स, इसमें फोर एन भरे थे फोर एन खाली थे, फोर एन फील्ड लेवल्स सेटल डाउन, नीचे आएंगे सेटल डाउन एंड फॉर्म्स वैलेंस बैंड, फोर एन फील्ड लेवल्स सेटल डाउन एंड फॉर्म्स वैलेंस बैंड, व्हाइल जबकि व्हाइल फोर एन एम्प्टी लेवल्स जो खाली हैं, फोर एन एम्प्टी लेवल्स गेट सेपरेटेड बाय शॉर्ट फॉर्म्स यूज करो, गेट सेपरेटेड बाय फॉरबिडन एनर्जी गैप एफईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड फॉर्म्स कंडक्शन बैंड, एंड फॉर्म्स कंडक्शन बैंड। तो तीन नंबर में तुम्हें ग्राफ बनाना है, ये चार पॉइंट लिखकर आने, अब पूछ लो तुम्हारा क्या डाउट है भाई, आर हाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, समय आर उससे लिंक कर दिया ना मैंने, आठ थे तुम कह रहे स्टोरी में कैसे जोड़ रहे हैं, ग्राफ में यहाँ पे ये ना ये रहे, ये दो भरे, ये दो और भरे, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर पी में छह आ सकते हैं ना, चार खाली भी है पी के, इस तरह से आठ, स्टोरी का एंड तो ट्रेजिक था फिर भी तुम्हें पसंद आया, तुमने ताली बजा दी, बुरा अंत था, हाँ बोलो परिवार विभाजित हो गया, जोर से बोलो साफ साफ बोलो, ऊंचा सुनाई दे रहा है, बोलो 3s वाले यहाँ पर सीधा स्ट्रेट है, ये सीधी सीधी लाइन है, अच्छा ये पूछ रहा है 3s वाले इधर जाएंगे कहीं भी जा सकते, नहीं पता फाइनली यहाँ नीचे आ जाएंगे, इसमें जो भरे हुए फाइनली नीचे आ जाएंगे, इस जगह पर जो इंटरेक्शन हो रहा है इधर से टल्ला लगा था, तुम्हारा हाथ इधर भी जा सकता है, जा सकता है, हमें यहाँ बी पर नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, सी पर अपनी जगह पर ही, हाँ रिपीट उधर कुछ नहीं है, यहाँ पर सब एक एक साथ जैसे वो बच्चे बोला मिलके खेल रहे हैं, सब एक साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, हम यहाँ नहीं पहचान सकते कौन सा लेवल किसका है, थ्री पी टू में कैसे जाएंगे, थ्री पी टू अलग रास्ता आ रहा है ना, उल्टा थोड़ी जा रहे हैं, नहीं नहीं वैसा कुछ, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को बता रहा है, ध्यान से सोचो ग्राफ है एनर्जी को बता रहा है, ये हमने पढ़ लिया। दो नंबर का एक सवाल बनता है, ये जो यहाँ पर इतना हिस्सा है इसको कहते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड डायग्राम, तुमसे पूछा जाता है कि एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर इन तीनों को डिस्टिंग्विश करो, तो उसमें तुम्हें तीनों के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग दो नंबर में एनर्जी बैंड डायग्राम्स फॉर
एनर्जी बैंड डायग्राम्स फॉर करके डैश लगा दो, ब्रैकेट में लिखो टू डिस्टिंग्विश ब्रैकेट क्लोज, यानी सवाल इस तरह से आएगा डिस्टिंग्विश, तो तुम्हें ये वाला आंसर लिखना है। तो अगर सबसे पहले मैं सेमीकंडक्टर के लिए बनाऊंगा, एक तरीका एनसीईआरटी में बना रखा है, टाइम कंज्यूमिंग है, मैं जो बता रहा हूं वो थोड़ा फास्ट है मेथड, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें वो अच्छा लगता है तो वैसे बना सकते हो, नहीं तो ये दूसरा तरीका, एक रेक्टेंगल बनाओ, इस रेक्टेंगल में ये दिखाने के लिए कि ये वाई एक्सिस है जिस पर हमने एनर्जी को लिया है, इसको एक्सटेंड कर दो साइड को और यहां लिख दो एनर्जी, इस रेक्टेंगल में पट्टियां बना दो जैसे भारत के झंडे में होती है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका नाम है कंडक्शन बैंड, नीचे वाला हिस्सा इसका नाम है वैलेंस बैंड, बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये किसके लिए है, फर्स्ट सेमीकंडक्टर के लिए है, तो इसकी पहचान ये है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो बोलेंगे सेमीकंडक्टर, कारण रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी इनिशियली तो क्या है, अगर मैं 0 डिग्री पर बात करूं तो कंडक्शन बैंड खाली है इसका, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे वैलेंस, अभी हमने डिसाइड किया था ना 4n कहां गए थे, भरे वाले कहां गए थे, सब वैलेंस बैंड। अब रूम टेम्परेचर पर एनर्जी मिलेगी, एनर्जी अगर इतनी मिल गई जैसे सिलिकॉन है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा यहां पर एक खाली जगह बनेगी, वॉइड बोलते हैं उसको, उसी का नाम है होल, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, अभी अज्यूम करते जाना धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, उसी को होल कहते हैं जो कि वास्तव में एक पॉजिटिव आयन है, तो इलेक्ट्रॉन की जगह जब खाली हो गई तो इसमें एबिलिटी है पास के लैटिस से कोई ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन इसको खींच सकता है, अगर इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो वो इलेक्ट्रॉन अब यहां दिखेगा और खाली जगह यहां दिखेगी, तो हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि होल मूव कर गया, तो हम बोलेंगे होल मूव कर रहा है, एक्चुअल में कौन मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो पहले से बंधा हुआ था बाउंड, ध्यान से सुनना सारी टर्म्स, बाउंड था वो मूव कर रहा है, जबकि यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, जो कंडक्शन बैंड में जा चुका उसके पास एनर्जी वो फ्री है, यहां वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो मूव करेगा अलग स्पीड से, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, यहां वाला इलेक्ट्रॉन बाउंड है तो दोनों इलेक्ट्रॉन पर बाउंड इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी, इसको लाइव एग्जांपल से समझो, फिर हमेशा के लिए समझ लो एक बार में, ऐसे समझो कोटा में बाहर से बच्चे आते हैं एडमिशन के टाइम पर, ठीक है, फिर यहाँ पे आके वो रूम ढूंढते हैं, जो बाहर से आ रहे हैं उनका बोरिया बिस्तर बंधा हुआ है, प्रेजेंट टाइम में मान लो मैं सुबह घूमने निकला, मैंने देखा आज जो है इस घर के आगे टॉयलेट लगा हुआ है, टॉयलेट, अब अगले दिन जब मैं उसी रास्ते से निकलता हूं मैं देखता हूं टॉयलेट यहां पर नहीं है, अभी इस घर के आगे लगा हुआ है, इस टाइम बाहर से बच्चे नहीं आ रहे, यहां जो है उनको बेटर सिचुएशन मिलेगी तो ट्रांजिट करेंगे, उनको ट्रांजिट करने के लिए पहले बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा, फिर वापस खोलना पड़ेगा बाउंड इलेक्ट्रॉन की तरह, यानी उनकी मोबिलिटी कम होगी, मोबिलिटी क्या होती है, तुमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, देखो याद रहा गया तुमको, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड वीडी अपॉन ई, जो फंक्शन होता है टॉ का, ई बाय एम टाइम्स टॉ, ई टॉ बाय एम, क्योंकि ई बाय टॉ एम को ई बाय ई टॉ बाय एम को ई से डिवाइड करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बचता था छोटा ई, पहले क्या था छोटा ई बड़ा ई टॉ अपॉन एम ड्रिफ्ट स्पीड, तो मोबिलिटी बावजूद इसके कि होल चल रहा है इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन चल रहा है, फिर भी इस इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है क्योंकि फ्री है, बाहर से आ रहा है उसका सामान पैक है, उसको तो देखना है कोई रूम उसको आसानी से पसंद आ जाएगा वहां जा सकता है वो, पर यहां वाले को पहले देखना पड़ेगा इससे बेटर कंडीशन मिलनी चाहिए तब वो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है टॉयलेट शिफ्ट हो गया, बच्चे ने कब शिफ्ट किया मुझे नहीं पता, मैं तो घर पे था,
उधर हाथ में शिफ्ट किया तो इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, मुझे दिखेगा टूलेट पहले यहां था, टूलेट वहां चले गया। तो हम क्या बोलेंगे, होल चल रहा है। अगर तुमने गेम खेला ब्रेन वीटा चाइनीज चेकर, ब्रेन वीटा में कंचे आगे बढ़ते हैं, चाइनीज चेकर में गोटियां होती है, तो गोटियां आगे बढ़ती है तो छेद होल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मान सकते हो। रिलेटिविटी का कंसेप्ट लगाते हो, तुम बस में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, तुम बोलना शुरू करते हो भरूच आ गया, बड़ौदा आ गया, मुंबई आ गया। रिलेटिविटी खुद को रेस्ट पर मानते हो, रेफरेंस फ्रेम खुद से जोड़ लेते हो। तो वैसे यहाँ पर रिलेटिविटी के कंसेप्ट से हम ये मान सकते हैं कि होल भी मूव कर रहा है। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा इधर से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ जो होल है उस पर फोर्स लगेगा इधर, तो होल चलेगा इधर, इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर। करंट की डायरेक्शन हम मानते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट इधर, होल इधर जा रहे हैं, होल के कारण करंट इधर, दोनों करंट इधर, तो टोटल करंट किसी सेमीकंडक्टर में जो होगी वो कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, नेट करंट अगर तुम्हें निकालना, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन सेम है, जुड़ जाएंगे। तो ये कंसेप्ट हमें समझना है सेमीकंडक्टर में, दोबारा मैं रिपीट करूंगा, यहीं सब तैयार करवा दूंगा। बस तुम यहां क्लास में एक चू भी मत किया करो, है ना, मैं इसी शर्त पे तैयार कराऊंगा, क्लास में सब कुछ तैयार करा दूंगा, पर उसके लिए जरूरी है मेरा ध्यान डाइवर्ट नहीं हो। तो उसके लिए तुम जो है पूरे फोकस के साथ पढ़ो, मैं यहीं पे तैयार करवा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट है वो इतनी बार रिपीट हो जाएंगे कि तुम्हें याद हो जाएंगे, आगे आगे तुमने देखें इतनी बार रिपीट हो चुकी चीजें जो तुमको याद होती जा रही है, जो इंपॉर्टेंट है दोबारा रिविजन की जरूरत नहीं। तो सीधे एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करोगे और एग्जाम में तुम सब कुछ लिख पाओगे। तो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ये हो गया, ये सेमीकंडक्टर के लिए हो गया। तुम्हें दो डेटा याद कराऊंगा मैं, सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप यानी एफईजी ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए इससे कम होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, इंसुलेटर प्रेडिक्टेबल है, तुम अंदाजा लगा सकते हो क्या होता होगा इंसुलेटर में, एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता होगा। सोच सकते हो एफईजी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाना पॉसिबल नहीं होगा, एफईजी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला सॉल्ड एग्जांपल है इसमें एनसीईआरटी में कि कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, तो कार्बन सेमीकंडक्टर क्यों नहीं है। तो उसका जवाब है कार्बन की वैलेंसी भले ही 4 है पर कार्बन ना तो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है ना शेयर करता है आसानी से, इसलिए उसका बिहेवियर इंसुलेटर जैसा है। रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है कार्बन का, तो हम क्या बनाते हैं कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस बनाते। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम कंसीडर करें, इसमें डायमंड इंसुलेटर है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। तो यहां पर अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो मैं डायमंड के लिए लिखता हूं फॉरबिडन एनर्जी गैप, बहुत ज्यादा होता है, इसमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं। तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर कहते हैं तुम्हें कार्बन की वैलेंसी नहीं आती, ऐसे कितने बच्चे ईमानदारी से हाथ ऊपर करो जिसको नहीं पता कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जिसको नहीं पता है या नहीं पता था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, रेज योर हैंड प्लीज। ये फीडबैक है केमिस्ट्री टीचर का कि तुम बच्चों को कार्बन की वैलेंसी नहीं आती, तो क्या ऐसे बच्चे हैं उनकी शक्ल देखना चाहता हूं मैं। सबको पता है ईमानदारी से, नहीं तो मतलब तुम्हारा दोष नहीं है इसमें, इसमें टीचर हमारा दोष है, हम व्यवस्था को सुधारेंगे अगर तुम्हें नहीं आता है। तो डायमंड 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इंसुलेटर कंडक्शन नहीं करते, इसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चाहिए, कंडक्शन के लिए वो जाएंगे नहीं। थर्ड, मेटल्स या कंडक्टर्स, मेटल्स या कंडक्टर्स इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। रीजन
फॉरबिडन एनर्जी का होता ही नहीं। तो आगे फिर एक फैक्ट को हम लिंक करते हैं, टिन स्टेनम 14th ग्रुप का मेंबर है, टिन की वैलेंसी भी कितनी है 4, पर वो सेमीकंडक्टर नहीं। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, सेमीकंडक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि टिन में या किसी मेटल में या किसी कंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं। ये यहां से लेकर यहां तक पूरा कंडक्शन बैंड है और ये यहां से लेकर यहां तक पूरा वैलेंस बैंड है और ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैपिंग को हम दिखा सकते हैं इस तरह से, यानी वैलेंस बैंड के पास जो भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वैलेंस बैंड के पास, वो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के पास अवेलेबल हैं कंडक्शन करने के। दैट्स व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो बोर्ड लेवल पे तो ये तीन बनाने के 2 नंबर मिल जाते हैं, कई बार 3 नंबर में भी आता है। कंपटीशन पे अगर जाएं हम आगे थोड़ा सा स्टार विद बॉक्स, तो एक एक्सेप्शनल केस है। सोडियम के बारे में तुम जानते हो, सोडियम इज मेटल, दिखता नहीं मेटल जैसा, कैसा दिखता है, पनीर के टुकड़े जैसा, व्हाइट कलर है, खतरनाक, खा नहीं सकते। केरोसिन में रखा जाता है, हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं आप पकड़ लेता है, इससे लेसर है सॉल्यूशन बनाते हैं जिससे टेस्टिंग होती है। तो हमारे टाइम में, यानी जब मैं 11th में 12th में था, तब सोडियम का पीस उठा लेते थे हम केमिस्ट्री लैब से और पानी पीने की जो जगह थी जहां नल लगे थे वहां पानी में डाल देते थे उसको, थोड़ी देर उछलता कूदता था, उसके बाद आग पकड़ लेता था। तो इतना सॉफ्ट स्पंज जैसा, अब उसमें लगता नहीं कि मेटल होगा, मेटल कैसे होगा, फिर भी वो मेटल है। क्यों मेटल है, इसलिए नहीं कि उसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है, इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप है सोडियम में, ये खास बात है इसकी, पतला सा फॉरबिडन एनर्जी गैप है, पर इसका जो कंडक्शन बैंड है वो खाली नहीं है, वो पार्टली फिल्ड है, कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है इसमें और वही इलेक्ट्रॉन इन्हीं के कारण ये गुड कंडक्टर मैटर, पार्टली फिल्ड। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया, इससे आगे की बात करते हैं। डिटेल में हम सेमीकंडक्टर को जानना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर को फुल डिटेल में पढ़ना, उसी में हमारा इंटरेस्ट है। यहां से तो हमने देखा कि भाई कंडक्शन कौन कम करेगा, कौन ज्यादा करेगा। तो सेमीकंडक्टर कितनी तरह के होते हैं, तो हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो प्योर और दूसरे डोप्ड, एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक, दूसरे को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। तो मेन आइडिया सेमीकंडक्टर्स, हाँ सोडियम है, इसके लिए लिखो फॉर सोडियम, यहां पे लिख दो, ये एनर्जी है, ये ग्राफ है फॉर सोडियम। हाँ, एक रफ डेटा आपको चाहिए था, ये पिन पॉइंट डेटा नहीं है, एग्जैक्ट बाउंड्री लाइन नहीं है, ये रफ डेटा लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम जिनका भी होगा वो सब सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक जा पाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पर ये नहीं जा सकते, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। प्लास्टिक है, लकड़ी है, कांच है, जला भी दो, दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एनी अदर डाउट, ओके। इसमें क्लैरिटी थोड़ा धीरे धीरे आएगी, मतलब तुम ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना इस चैप्टर में, क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होगा तो बहुत अच्छा क्लियर होगा, पर धीरे धीरे कई चीजें थोड़ी शुरू शुरू में माननी पड़ेगी, यहाँ से कुछ होता है। हाँ तुमको सबसे ज्यादा माननी पड़ेगी। हाँ ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, उसका कारण अलग है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण, लेयर स्लाइड कर सकती है प्लस लेयर्ड स्ट्रक्चर है, उसका कारण अलग है, गुड कंडक्टर है। तो हेडिंग लगाओ सेमीकंडक्टर, उसमें डैश लगा के लिखोगे
these are of following two types, दो तरह के होते हैं. These are of following two types. First, intrinsic, intrinsic, intrinsic. इसमें डैश लगा के लिखो. These are the pure semiconductors. These are the pure semiconductors. बार बार सेमीकंडक्टर आएगा इस चैप्टर में, कई बार वर्ड आएगा, तो एससी लिखना सही रहेगा शॉर्ट फॉर्म. These are the pure semiconductors. ब्रैकेट में एलिमेंटल, एलिमेंटल भी बोलते हैं इनको, एलिमेंट्स की फॉर्म एलिमेंटल. ब्रैकेट क्लोज. एज फाउंड इन नेचर, एज फाउंड इन नेचर. एग्जाम्पल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, दो ही जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. सिंबल्स बनाओ तो हम. अब परेशानी क्या है कि इनके पास जो चार्ज कैरियर डेंसिटी है, रेफरेंस साइड में कुछ डिटेल नोट करो और एक होमवर्क भी दूंगा आज, करके आओगे तो अच्छी बात है, नहीं आओगे तो तुम्हारी मर्जी, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा. नहीं करके आओगे मैं करवाऊंगा यहां पर एक बात समझ लो, एक बात ये समझ लो कि वो एक्सपीरियंस अलग होता है, वो एक माइंड के डेवलपमेंट की स्टेज होती है. अगर तुम खुद से अटेम्प्ट करते हो तो उसमें जो एक्सपीरियंस तुम्हें मिलना चाहिए वो एक्सपीरियंस तभी मिल पाएगा. मैं करवा दूंगा वो पार्ट कट हो गया, जो तुम खुद अनुभव कर सकते थे वो पार्ट कट हो गया, तो फिर वो डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाता है. ठीक है, तो सॉल्ट एग्जाम्पल नंबर टू जो है उसके लिए मैं तुम्हें डिटेल्स बता रहा हूँ. चार्ज कैरियर डेंसिटी को हम किससे दिखाते हैं, एन से. अगर इलेक्ट्रॉन की चार्ज कैरियर डेंसिटी है तो एन ई, होल्स की चार्ज कैरियर डेंसिटी है तो एन एच. अब किसी सेमीकंडक्टर में जैसे हम यहां बात कर रहे थे, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां चलेगा तो पीछे क्या बचा, एक होल, एक वैकेंसी. अगर 100 गए तो पीछे 100. इसका मतलब यह हुआ कि किसी सेमीकंडक्टर में ये दोनों बराबर होंगे. और ये जो अभी तुमने लिखा फर्स्ट इंट्रेंसिक, तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर डेंसिटी होती है उसको स्पेशल सिंबल Ni से दिखाया जाता है. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं NiNH के बराबर भी है, Ni के बराबर भी है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें डेटा बताया था 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब, तो होल्स भी कितने 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब रूम टेम्परेचर पर, इलेक्ट्रॉन भी कितने 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब, तो टोटल मिलाओगे तो कितने 10 की पावर 32 हो जाएंगे क्या, सर बोल टोटल मिलाओगे तो 2 × 10^16 ऑर्डर ये रहेगा 10^16. तो बढ़ेंगे नहीं. अब यहां पर एक रिलेशन हम लिख सकते हैं विदाउट डेरिवेशन, Ni का स्क्वायर इक्वल टू Ni इनटू NH. ये फॉर्मूला यूज करना तुम्हें सीखना है, फॉर्मूले को यूज करना है, कहां से आया कोई लेना देना नहीं हमको, हालांकि डिराइव कर सकते हैं. इसको कहते हैं मास एक्शन लॉ, रेफरेंस साइड में चला दो उसको, मास एक्शन लॉ. तो जो सेकंड सॉल्ट एग्जांपल है वो जब तुम करोगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा, तुम्हें मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है आंसर आ जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद पीछे एक्सरसाइज में 14.12 इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, पर वो क्वेश्चन करने का अपना अलग अनुभव होगा तुमको, एक्सपीरियंस वो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, तो उसको अटेम्प्ट करके आना. 14.12 ये है चैप्टर नंबर 14, इसमें जितने भी सॉल्ट एग्जांपल होंगे सब 14 पॉइंट से चलेंगे, जितने भी फिगर होगी 14 पॉइंट से चलेगी, पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन 14 पॉइंट से चलेंगे. ठीक है, लॉजिक है. अब वापस लौटते हैं इधर. तुमने लिखा इंट्रिंसिक चार्ज, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें दो एग्जांपल लिखे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ऑब्जेक्टिव तुम्हें क्लियर होना चाहिए माइंड में पूरे टाइम कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाना चाहते हैं उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, एन इतना चाहिए, इसमें एन इतना नहीं है, कम है ना. चलो सिलिकॉन से बेटर है जर्मेनियम, बेटर है, फिर भी उससे काम नहीं चल रहा.
फिर दिमाग में एक सवाल आता है, जर्मेनियम बैटर है तो एट प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सुनने में आते हैं, आईसी, ट्रांजिस्टर या कोई माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, हमेशा नाम सिलिकॉन का आता है, जर्मेनियम का नाम कहीं सुनाई नहीं देता। उसका रीजन समझ लो, हिस्टोरिकल रीजन है और साइंटिफिक रीजन भी। पहले जब हमारी पॉपुलेशन कम थी, हम लोग कम थे, पॉपुलेशन कम थी, कितना पहले, वो जमाना था जब सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग जापान में होती थी। मर्फी का रेडियो आता था जिसमें बच्चा आता था घुंघराले बाल वाला, ऐसे मुंह पे उंगली लगा कर ऐसे विज्ञापन होता था, मर्फी का रेडियो। पैनासोनिक का 2-in-1 आता था, तुम्हारे दादाजी के टाइम का पैनासोनिक का 2-in-1 आज भी मिल जाएगा, आज भी चालू हालत में मिलेगा, वो काम कर रहा है, उसमें जर्मेनियम के कंपोनेंट्स थे। 90s में जो कंप्यूटर आते थे उसमें जर्मेनियम के कंपोनेंट्स भी होते थे और सिलिकॉन के भी होते थे। उन कंप्यूटर को चलाने तो कंप्यूटर खरीदने से पहले, यानी पीसी खरीदने से पहले, पर्सनल कंप्यूटर खरीदने से पहले एसी लगाना पड़ता था। रीजन समझो क्यों, और आजकल सिर्फ सिलिकॉन क्यों रह गया, जर्मेनियम हार्ट क्यों गया? तो दो कारण, हिस्टोरिकल रीजन तो यह है, पहले पॉपुलेशन कम थी, कम डिमांड थी, जर्मेनियम में क्वालिटी ज्यादा है, जर्मेनियम यूज करके कंपोनेंट्स बनाते थे। जर्मेनियम में एक लिमिटेशन है, साइंटिफिक लिमिटेशन, टेम्परेचर रेंज जो इसकी वर्किंग टेम्परेचर रेंज 70 से ऊपर काम नहीं करता, 70 डिग्री, 70 डिग्री सराउंडिंग का नहीं, खुद का। जब तुम मोबाइल फोन से बात करते हो सराउंडिंग टेम्परेचर तो चलो 27 डिग्री है, मोबाइल गर्म होता है ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर जर्मेनियम के कंपोनेंट लगे हुए और टेम्परेचर बढ़कर 70 को क्रॉस कर गया तो जर्मेनियम कंपोनेंट काम नहीं करेंगे। तो कंप्यूटर में जिसमें जर्मेनियम कंपोनेंट लगे होते थे गर्म हो जाता था तो फिर मेल फंक्शन करता था, नहीं गलत कैलकुलेशन करने लग जाता था, इसलिए कंप्यूटर को किस में रखते थे, एसी। फिर अब जब सिलिकॉन के कंपोनेंट लगा दिए तो सिलिकॉन जो है वर्किंग टेम्परेचर रेंज है 170, 70 से सीधा 100 डिग्री ऊपर 170, तो जरूरत ही नहीं है, 40 डिग्री पर भी काम करेगा कंप्यूटर, खुले में रखो तो भले, समझ गए। तो अब इस डेटा को याद कैसे रखना है, टेम्परेचर वर्किंग टेम्परेचर 70 170, सबको लिंक कर दो, ये रहा पॉइंट 7, जेम्स बॉन्ड का नंबर 007, उसके बाद 70, फिर 100 और बढ़ा दो तो 170, सबको लिंक कर दोगे सब याद हो जाएंगे, लिंक होके, वैसे याद नहीं रहेंगे लिंक होके याद हो जाएंगे। फिर पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ी, फिर जापान पिछड़ भी गया क्योंकि वो बम गिरा दिए गए, अमेरिका ने बम गिरा दिया उस पर। तो उसके बाद अब सारी मैन्युफैक्चरिंग, अब तुम देखो हर एक प्रोडक्ट पे लिखा रहेगा मेड इन चाइना, और सारी मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि इतने बल्क में चाहिए, जर्मेनियम की अबंडेंस कम है अर्थ पे, जर्मेनियम कम मात्रा में पाया जाता है, सिलिकॉन बहुत ज्यादा, बहुत में पाया जाता है, काफी अबंडेंस है, सिलिकॉन सस्ता है, जर्मेनियम महंगा है। अंदाजा लगाओ, जब मैं 11 12th में पढ़ता था आज से 25 साल पहले, 91 में मैंने 12th का एग्जाम दिया था, 92 से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था फर्स्ट ईयर से, तो उस समय पर वो जो ट्रांजिस्टर तुम्हें दिखाया था कल BC548, यस सर कह रहा हूं तो याद करके बताओ, BC548 की टांगें छोटी थी या लंबी लंबी थी? लंबी। हां, मतलब वो कौन सा था, काले से रंग का BC548 जो बाद में दिखाया था। तो वो वाला ट्रांजिस्टर अगर मुझे बाजार से खरीदना है, उस समय भी आता था वो, आज भी आता है 548 इसी नंबर से आता है, तो सिलिकॉन का लेना है तो 1 रुपए का, सिलिकॉन वाले ट्रांजिस्टर की कॉस्ट 1 रुपया। और अगर मुझे जर्मेनियम से बना हुआ चाहिए वही ट्रांजिस्टर सेम फंक्शन वाला, तो उसकी कॉस्ट 25 रुपए। ये आज से 25 साल पुरानी बात, तो इतना अंतर आ गया था कॉस्ट में, तो हमने जर्मेनियम का इस्तेमाल बंद कर दिया, बहुत महंगा पड़ने लगा। तो अभी सारे कंपोनेंट सिलिकॉन से प्लस टेम्परेचर के एडवांटेज, पर उसके बाद भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, तो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, अब क्या करना पड़ेगा, कंडक्टिव, हाँ डोपिंग करेंगे, तो लिखोगे लैंग्वेज में आगे, इंट्रेंसिक में ही चलो, इंट्रेंसिक में आगे लिखोगे। बट दीज आर अनफिट, अनफिट है, फिट नहीं है, दीज आर अनफिट फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, दीज आर अनफिट फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ड्यू टू स्मॉल कंडक्टिविटी, ड्यू टू स्मॉल कंडक्टिविटी, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी कम है, कम है। सो in order to increase their conductivity, we mix trivalent, जिनकी वैलेंसी 3 है, trivalent
और पेंटावेलेंट, जिनकी वैलेंसी 5 है, वी मिक्स ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी इन देयर क्रिस्टल्स थ्रू द प्रोसेस किस प्रक्रिया से मिलाएंगे, थ्रू द प्रोसेस डोपिंग को वर्ड को अंडरलाइन कर दोगे। ये वही वाला डोपिंग है जो टॉप टेस्टों का खिलाड़ी होगा, स्टेरॉइड लेते हैं वो लोग अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए। तो यहां पर हम कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, इंप्यूरिटी मिक्स कर, वही डोपिंग DOPING। दो नंबर का सवाल आता था पहले, जो अब एक नंबर में पूछा जाता है, व्हाट इज डोपिंग, व्हाई इट इज डन, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग की इमेज तुम्हारे माइंड में क्लियर है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट छोड़ दिया मैंने, डोपिंग वर्ड अब तुम्हारे लिए अनफैमिलियर नहीं है, क्योंकि वो जो डॉप टेस्ट है वो तुम उससे फैमिलियर हो खिलाड़ियों के साथ जो होता है। तो इंप्यूरिटी मिक्स करने का जो प्रोसेस है उसका नाम है डोपिंग। क्यों किया जाता है, हम कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। इसे मैं लिखो आगे, फुल स्टॉप लगाने के बाद, द न्यू सेमीकंडक्टर, द न्यू SC सो ऑब्टेंड, द न्यू सेमीकंडक्टर सो ऑब्टेंड इज कॉल्ड के बाद डैश लगा दो, ये लिखने का एक तरीका है, डैश लगा दो, सेकंड नंबर डालो नेक्स्ट लाइन में, सेकंड। भाई दो तरह के बताया हमने सेमीकंडक्टर, दो तरह के, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो फर्स्ट हो गया इंट्रिंसिक, सेकंड आप लिखोगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस कॉल के बाद डैश वो वहां खत्म हो गया, लिखने का एक तरीका है, तुम ऐसे लिख सकते हो, लैंग्वेज बचाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। तो सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, ESC, और इसमें डैश लगा के लिखोगे, इट इज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। ये फिर से दो तरह का है, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये फिर से दो तरह का हो सकता है। तो कौन कौन से दो तरह का हो सकता है वो कल पढ़ेंगे, एक होगा एन टाइप, एक पी टाइप। अगर मैंने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिलाई तो ये बढ़ जाएंगे, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी मिलाई तो ये बढ़ जाएंगे, पर चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए चाहे होल बढ़ जाए ये रूल वैलिड रहेगा। ठीक है, आज के लिए काफी, थैंक यू, बंद करूंगा।